देखिए, एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के हर सवाल का जिम्मेदारी के साथ सही जवाब दे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता और जनप्रतिनिधि टाल मटोरी करता है तो फिर जनता बर्दाश्त नहीं करती। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ। अगल बगल लोग घेरा लगाए खड़े हैं और बीच में है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी। विरोध इतना, नाराजगी इस कदर कि जहां तक गाड़ी का पीछा कर सके लोगों ने किया। आखिर बेतिया से बीजेपी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को अपने ही क्षेत्र के लोगों का गुस्सा क्यों झेलना पड़ा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। संजय जायसवाल बेतिया पहुंचे थे जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों से मिलने, लेकिन जनता और यहां मौजूद स्थानीय पत्रकारों ने एक एक कर सवाल दागने शुरू कर दिए। एक मिनट बताया गया सर, लौरिया विधानसभा क्षेत्र में 28 लोगों की मौत हो गई, उसके बावजूद भी सरकार अभी तक सोई रही, और आज जो बेतिया में आज 15-16 गरीब आदमी का मौत हुआ है, आप बोले कार्रवाई की जर, क्या चीज की कार्रवाई हो रही है कि अभी तक जो कि बिल्कुल कार्रवाई हो रही है? सर, कहने से कार्रवाई नहीं होता है सर, करने से होता है। बिहार सरकार कर रही है, बिहार सरकार खुद 16 तारीख को बैठक बुलाई। जनता की अदालत में संजय जायसवाल का ऐसा ट्रायल चला कि जवाब देते नहीं बन रहा था। आपको नहीं लग रहा है शराबबंदी फ्लॉप है बिहार में? देखिए, घटनाएं दूसरे प्रदेशों में भी जहां शराब अलाउड है वहां भी घटी है, जो लोकल स्तर उससे ज्यादा यहां पे नहीं घटा है सर। पर कार्रवाई हो रही है, शराब बंद होने के बाद भी शराब कैसे मिल रहा है यहां पे? उसी के लिए ना हो रहा है, पुलिस उसी के लिए एग्रेसिव। तो मरने के बाद सर पुलिस चेक करती है कि मरने से पहले भी करती है? आज तक अगर 600 लोगों को पुलिस के और एक्साइज के अफसरों को नौकरी से निकाला जा चुका है। कार्रवाई वाले सवाल का संजय जायसवाल ने ऐसा जवाब दिया कि लोगों का गुस्सा बढ़ना लाजमी था। ये कहा कि जो शराबबंदी वाले राज्य में हुआ है वैसी मौतें तो बाकी राज्यों में भी होती हैं। जनता के सवालों का संतोषजनक जवाब ना दे पाना नाराजगी की वजह नंबर एक। संजय जायसवाल जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे तो उनके हाथ में लिफाफे पकड़ा दिए। इस लिफाफे में क्या था पहले वो जानिए। लिफाफे में थी मदद के तौर पर महज 5,000 की रकम। ये थी ग्रामीणों के गुस्से की वजह नंबर दो। इसके बाद की ये तस्वीर है, देखिए नाराज लोग संभले नहीं संभल रहे। सवाल का काफिला गुजर रहा था लेकिन लोग उनसे सवालों के जवाब जाने बगैर जाने देने के मूड में नहीं थे, जाने देने के मूड में नहीं दिखे। बमुश्किल संजय जायसवाल यहाँ से निकल गए, लेकिन लोगों ने आखिर तक गाड़ी का पीछा किया। बेतिया में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि अलग अलग जगहों पर कुल मौत का आंकड़ा मिलाकर 40 पहुंच गया है। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब के कहर से नाराज लोगों से मिलने जब संजय जायसवाल पहुंचे तो गुस्सा फूट पड़ा। ABP News आपको रखे आगे।